ईरान के हमले के खिलाफ पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, लेकिन इससे ज्यादा कार्रवाई की उम्मीद पाकिस्तान की ओर से नहीं है। आज चीन ने पाकिस्तान और ईरान को संयम बरतने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी हमला होने की संभावना बहुत कम है। पाकिस्तान अपने हर पड़ोसी देश से क्यों पिट रहा है, सरहद पार से आई आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाव पाव भर के परमाणु बम रखने वाले पाकिस्तान पर ईरान ने हमला कर दिया। पहले हिंदुस्तान, फिर तालिबान और अब ईरान ने भी पाकिस्तान को करारा थप्पड़ मारा है। यानी पाकिस्तान चौराहे पर रखा वो ढोल है जिस पर हर पड़ोसी ने हाथ साफ किया। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को ईरान के खिलाफ पाल पोस कर बड़ा किया, उन पर ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में मिसाइल से हमला किया। बलोच आतंकी गुट जैश अल अदल के मुख्यालय पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से सटीक हमला किया। मतलब आतंकियों के लिए पाकिस्तान ने अपने एक और पड़ोसी को दुश्मन बना लिया है। कल रात हमला होने के बाद से आज अखबारों में पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली खबर छपी है। पाकिस्तान के द डॉन और पाकिस्तान टुडे अखबार ने ईरान के हमले को हेडलाइन बनाया है। इसके बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई। अब पाकिस्तान की सरकार और सेना समेत 25 करोड़ लोग जानना चाहते हैं कि जो देश उनका मुस्लिम दोस्त है उसने मिसाइलों का बटन क्यों दबाया। ईरान के आक्रमण ने पाकिस्तानी सेना के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश होने के घमंड को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान ने साल 1998 में परमाणु परीक्षण करके परमाणु बम बनाने का ऐलान किया था। हैरान करने वाली बात है कि ईरान के पास मिसाइलें तो हैं, लेकिन परमाणु बम नहीं है। इसके बाद भी उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। यानी परमाणु ताकत वाली मिसाइलें भी पाकिस्तान को ईरान के हमले से नहीं बचा पाई। अब पाकिस्तानी जनता और एक्सपर्ट्स को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा। कल रात से पाकिस्तान में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की चर्चा हो रही है। एस जयशंकर ने हमले से ठीक पहले ईरान का 2 दिनों का दौरा किया था। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर एग्रीमेंट हुए, पर पाकिस्तान को लगता है मानो जयशंकर ने ही ईरान को पाकिस्तान पर हमले का फॉर्मूला दिया। ईरान हमले का जयशंकर से कनेक्शन होने का पाकिस्तान को यकीन है। हालांकि पाकिस्तान शायद दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने तीनों पड़ोसियों से पिट चुका है। भारत ने 2016 और 2019 में पीओके और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अफगानिस्तान ने 2022 में पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर बड़ा हमला किया और कल ईरान ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। यानी पाकिस्तान ये अनोखा रिकॉर्ड बनाकर पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाला हमला होने के बाद वहां सोशल मीडिया पर 1971 के सरेंडर की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी खुद ही अपनी सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के चैनलों पर जनरल आसिम मुनीर की इमेज को बेहतर बनाने वाली खबरें चलाई जा रही हैं। जयशंकर का ईरान दौरा होते ही पाकिस्तान के पिटने की खबर आ गई। ईरान ने ऐसा मुक्का मारा कि पाकिस्तान घुटनों पर बैठ गया और अब पाकिस्तान में ईरान और भारत का खौफ चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब दुनिया में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के पास क्या उपाय है। क्या पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत है कि वो ईरान के खिलाफ जवाबी हमला कर सके। मुश्किल ये भी है कि ईरान ने एक आतंकवादी संगठन पर हमला किया है और बदले में पाकिस्तान ने ईरान की सेना पर हमला किया तो हालात बिगड़ सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान ने जवाब देने का दिखावा करते हुए ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना जवाबी हमला करने का फैसला नहीं लेगी। इसका नतीजा पाकिस्तान के हक में नहीं होगा, क्योंकि अब ईरान भविष्य में पाकिस्तान में और हमले कर सकता है। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान पर आतंकवाद रोकने के लिए दुनिया का दबाव पहले से ही था और अब ईरान सहित ईरान के करीब देश भी इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ा सकते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो अपने कर्मों की सजा भुगतता आया है। जिस आतंकवाद को वो पालता पोषता आया था, अब वही आतंकवाद उसके लिए सबसे बड़े शर्म की वजह बनता जा रहा है। अब तो ईरान ने भी एयर स्ट्राइक करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। ईरान ने एयर स्ट्राइक कर उसे करारा तमाचा मारा है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ईरान के विदेश मंत्री से हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, उसी वक्त ईरान पाकिस्तान पर मिसाइल दाग रहा था। पाकिस्तान के लिए कितने शर्म की बात है कि जिस ईरान को वो अपना मजहबी भाई, सबसे करीबी दोस्त मानता है, उसी ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर स्विट्जरलैंड में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियन से हाथ मिला रहे थे। उसी दौरान पाकिस्तान के इलाके में ईरान की मिसाइल बरस रही। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर के चेहरे पर ईरान के विदेश मंत्री से हाथ मिलाते वक्त जोश देखिए। ऐसा लग रहा है उनका कोई बेहद अजीज दोस्त हो, लेकिन अजीज दोस्त ने ऐसा वार किया जिसे काकर शायद ही भूल पाए।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान और ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में एक दिन का साझा युद्ध अभ्यास किया। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे से मिसाइल हमले के हुनर सीखे। लेकिन पाकिस्तानी सेना को क्या पता था कि कुछ घंटों बाद ईरान की सेना उसके इलाके में असली मिसाइल ही गिरा देगी। ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल की दो इमारतों को तबाह कर दिया। माना जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के लिए खैबर शेखान बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसी मिसाइल का इस्तेमाल पिछले दिनों सीरिया में आतंकी संगठन पर हमले के लिए किया गया था। ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जिस आतंकी संगठन जैश अल अदल पर स्ट्राइक की है उसके बारे में भी जान लीजिए। साल 2012 में इस आतंकी संगठन का गठन हुआ था। जैश अल अदल सुन्नी आतंकी संगठन है और ईरान शिया बहुल देश है। जैश अल अदल का मतलब होता है इंसाफ की फौज। इस संगठन का मुखिया सलाउद्दीन फारूकी है। इस संगठन ने साल 2015 में ईरान में घुसकर आतंकी हमला किया था। उस आतंकी हमले में 8 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई थी। पिछले साल दिसंबर में भी ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ था जिसमें 15 पुलिस वालों की मौत हुई थी। मई में भी पाकिस्तान ईरान सीमा पर झड़प में ईरान के 6 जवानों की मौत हुई थी। ईरान के पास अपने सॉवरेंटी को, अपने सिटीजन्स को, अपने फौज को सुरक्षित रखने के अधिकार हैं और उसी अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने कल रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में उन ठिकानों को जहां ये जैश ए अदल के आतंकवादी छिपे थे या उनके घर थे उस पर अटैक हुआ है। जैश अल अदल भारत का भी दुश्मन है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ब्लास्ट करता है, महत्वपूर्ण लोगों की हत्या करता है और अपहरण कराता है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने और उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को सौंपने का काम भी जैश अल अदल ने ही किया था। कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार बंदरगाह से साल 2016 में गिरफ्तार किया गया था। अब जैश अल अदल को उसके किए की सजा 7 साल बाद ही सही मिल ही गई है। जैश अल अदल जो है ये बेसिकली इससे पहले एक ग्रुप होता था जुंदाला। जुंदाला जो था वो उसका ऑफशूट है, उससे निकले हुए ये ग्रुप है, उन्हीं लोगों ने इसको बनाया है। पाकिस्तान की बार बराबर ये हरकतें रही हैं कि जब कोई ऑपरेशन करने होते हैं एक ग्रुप काफ़ी दिनों से ऑपरेट करता रहता है तो फिर उसके सब ग्रुप बना देता है और उन ग्रुप्स के नाम से ये ऑपरेशंस होते हैं। मित्र देशों के हाथों मात खाए पाकिस्तान के पास अब सिर्फ गीदड़ भभकी के अलावा कुछ नहीं बचा है। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से क्या बयान आया वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान ने ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी है, लेकिन इस वक्त खुद पाकिस्तान की स्थिति गंभीर है जो तीन तरफ से अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को सजा दी तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है, अब ईरान की बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान हमले की खबर आने के बाद से पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर वहां की सेना का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में एक शब्द बनाना रिपब्लिक ट्रेंड कर रहा है और आज देशित पाठशाला में हम इसी शब्द से पाकिस्तान का कनेक्शन आपको बताएंगे। तो पहला सवाल, बनाना रिपब्लिक क्या है? इसका जवाब है कि ऐसे देश जो राजनीतिक आर्थिक रूप से अस्थिर हो उन्हें बनाना रिपब्लिक कहते हैं। ऐसे देश पैसे कमाने के लिए सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित होते हैं। बनाना रिपब्लिक कहावत की शुरुआत अमेरिका में 1930 के दशक में हुई थी। तब अमेरिका में निर्यात करने के लिए सेंट्रल अमेरिका के देशों में लाखों हेक्टेयर इलाके में केले की खेती होती थी और ये देश अपनी केले की फसल अमेरिका को बेचकर पैसे कमाते थे और अमेरिका इन देशों में दखल देता था। इसी के बाद बनाना रिपब्लिक कहावत की शुरुआत हुई। सवाल, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक क्यों कहा गया? जवाब, पाकिस्तान से सिर्फ आतंक का निर्यात होता है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बाद ईरान भी कार्रवाई कर चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान में आतंकी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया था, यानी पाकिस्तान एक बिना पेंडी का लोटा यानी बनाना रिपब्लिक बन गया है।
अगला सवाल, क्या आगे पाकिस्तान की हालत में सुधार आएगा? तो इसका जवाब भी आपको देते हैं। पाकिस्तान ने आतंक को अपनी नीति बना लिया है। परमाणु बम होने के बाद भी वो अपने छोटे और कमजोर पड़ोसियों से भी पिट रहा है, इसलिए सुधार की उम्मीद ना के बराबर है। आखिरी सवाल, इस हमले के बाद ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते पर क्या असर होगा? तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं। ईरान से पाकिस्तान पर और हमले संभव है और पाकिस्तान पर आतंक का रास्ता छोड़ने के लिए दबाव बढ़ेगा। तो भारत की सीमा पर एक और देश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने लिए बड़ा संकट बुला लिया है। अभी भले ही मालदीव को चीन की दोस्ती में फायदा नजर आ रहा हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसे भारत से दूरी बनाकर होगा। मालदीव जाने वाले सबसे ज्यादा भारतीय थे, अब मालदीव से भारतीयों ने दूरी बना ली है। भविष्य में ये दूरी मालदीव को कहीं कंगाली की राह पर ना ले जाए। मोहम्मद मोइजू का चीन प्रेम मालदीव के 5,21,000 लोगों पर बड़ा संकट लेकर आ रहा है, जिसका बड़ा असर मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ना शुरू भी हो चुका है। चूंकि इस वक्त शीतकालीन अवकाश है और अच्छी खासी संख्या में भारतीय मालदीव छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हजारों भारतीयों ने मालदीव का टूर पैकेज रद्द करवा दिया है। भारतीयों के बहिष्कार के बाद मालदीव को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले साल मालदीव जाने वालों में सबसे ज्यादा भारतीय थे। एक साल में 1,93,000 भारतीय मालदीव गए थे। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मालदीव की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है और उसमें भी भारत के लोगों की बड़ी भागीदारी रही है। अब भारतीयों ने मालदीव से दूरी बनाई है तो इससे उसे हर दिन 8.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मालदीव के टूरिज्म संगठनों की ओर से दावा किया गया है कि उसके 44,000 परिवारों पर आर्थिक संकट आ गया है। हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। बहुत भारी पड़ेगा, मैंने बताया, चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट जरूर लगा देगा। ये जो है मालदीव, ये बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, जो सारी इंडियन ओशन की सी रूट्स हैं उधर से पास होती हैं, वहीं से पास में, तो इस वजह से इसकी अहमियत बहुत है। चाइना बहुत समय से चाहता है कि वहाँ पे एक अपना नेवल बेस बना तो लेगा, मगर भारत का जो रुतबा है उस देश में उसको वो नहीं कम कर सकते। मालदीव के भारत विरोधी रुख की शुरुआत तो पिछले साल ही हो गई थी, जब मोहम्मद मोइजू चुनाव लड़ने के लिए मैदान में थे। उन्होंने वोट पाने के लिए भारत विरोधी कैंपेन चलाया। राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने भारत विरोधी फैसले भी लिए। इनमें पहला फैसला था मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने का आदेश, जिस पर 15 मार्च की तारीख भी आ गई है। इसके अलावा दूसरा फैसला था मालदीव और भारत के बीच बरसों पुराने हाइड्रोग्राफिक समझौते को बहाल नहीं करना। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान का कार्य चल रहा है। अनुष्ठान के दूसरे दिन आज मुख्य यजमान ने सरयू नदी में पूजा की। सरयू के पवित्र जल को कलश में भरकर राम मंदिर के लिए लाया गया। रामलला की चांदी की प्रतिमा का मंदिर में भ्रमण करवाया गया। आज उस गर्भगृह में भी आरती हुई जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी के साथ जी न्यूज पर आज हम आपको भव्य राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर के दर्शन भी करवाने जा रहे हैं। देखिए अयोध्या से जी न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। 22 जनवरी को दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। अयोध्या राममय है, जहां रामलला विराजमान होंगे। उस गर्भगृह से लेकर सरयू के किनारे तक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की पूजा की जा रही है। भव्य राम मंदिर के शिखर की तस्वीर भी सामने आ गई है। अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भव्य मंदिर में रामलला के आगमन से पहले की तैयारियों में अयोध्या मग्न दिखाई दे रही है।
अयोध्या राममय है, सारा देश राममय है। हम आपको अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी एक एक खबर देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए भव्य राम मंदिर की वो दिव्य तस्वीर जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। जी न्यूज पर आप पहली बार देखेंगे भव्य राम मंदिर का वो शिखर जो करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक बनने वाला है। श्री राम मंदिर का 161 फीट ऊंचा शिखर जो बहुत दूर से राम भक्तों को नजर आ जाएगा, उसका काम जारी है। बहुत तेजी के साथ राम मंदिर निर्माण में लगे कारीगर उसे तैयार कर रहे हैं। ये सिंह द्वार का पहला हिस्सा है जो आप इधर देख रहे हैं, उसके बाद अलग अलग मंडप आ जाते हैं और साथ ही आप देखिए कि जो शिखर यहाँ पर बनना है आने वाले दिनों में, जो शिखर बनकर तैयार होगा उस पर इस वक्त काम चल रहा है। दो कारीगर आपको शिखर के सबसे ऊपर दिखाई देंगे, इसके अलावा अन्य कारीगर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। 22 जनवरी को मंदिर के भूतल पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर निर्माण के बारे में बड़ी खबर यह है कि मंदिर के भूतल का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम मंदिर का कौन कौन सा हिस्सा तैयार है और कहां कहां काम चल रहा है, श्री राम मंदिर से जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। सिंह द्वार पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और सिंह द्वार से जो अलग अलग पांच मंडप आते हैं वो पांचों मंडप तैयार हैं। गर्भगृह में रामलला की जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा फर्श पर तमाम जो कलाकृतियां, जो पेंटिंग्स बनानी है उसे बना दिया गया। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी प्राण प्रतिष्ठा पर उन लोगों को जवाब दिया जो मंदिर के पूर्ण निर्माण के पहले प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मंदिर तो बन गया है, रामलला के मंदिर में गर्भगृह होगा, पांच मंडप होंगे और वो भूतल पे होगा मंदिर, तो वो मंदिर बन चुका है। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा, वहां रामलला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा जिसमें सीता जी होंगी, उनके भ्राता होंगे, उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं श्री राम मंदिर के उस गर्भगृह की तस्वीर जहां पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके आसन की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा और रामलला के विग्रह के मंदिर में प्रवेश से पहले गर्भगृह में परिक्रमा करके दीप प्रज्वलित किया गया। इसी गर्भगृह में कल रामलला की स्थापना की जाएगी, यानी पहली बार रामलला की मूर्ति गर्भगृह में पहुंचेगी। इस बात की जानकारी भी श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी है। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है, उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो रहे अनुष्ठान के दूसरे दिन मुख्य यजमान अनिल मिश्र और उनकी पत्नी ने सरयू किनारे पूजन किया। पवित्र सरयू के पूजन के बाद सरयू के जल को कलश में भरा गया और जल से भरे कलश लेकर महिलाएं राम मंदिर की तरफ निकली। अयोध्या में जय श्री राम का नारा गुंजायमान हो रहा है और ये महिलाएं हाथों में झंडा, माथे पर कलश और मन में भगवान श्री राम के नाम का संदेश। तो आज प्राण प्रतिष्ठा पूजन का दूसरा दिन और आप लोग सरयू का जल भर के कलश में राम जन्मभूमि की ओर, क्या कहना है? हम लोग के लिए बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग जो है इतने पवित्र पावन कार्य में हम लोग साथ दे रहे हैं। मैं तो प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे भी ये सब चीजें करने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मेरा एक जरूरी अंग था जिसको मैं पूरा कर रही हूँ। श्री राम मंदिर के ट्रस्टी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अनिल मिश्र भी गौरवान्वित है क्योंकि अपने आराध्य जिन रामलला के दर्शन की राह करोड़ों राम भक्त देख रहे हैं, 5 सदियों के इंतजार के बाद भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य उनको मिला है। प्रभु राम के छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम करके हर कोई धन्य हो जाता है। मैं ही नहीं पूरा देशवासी आज इस 22 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में जो कार्यक्रम संपन्न होगा वो वास्तव में ऐतिहासिक पल है। श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राम भक्त
अपने आराध्य के दर्शन के लिए अधीर हो रहे हैं और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनका दर्शन करके ही भक्तों की यह अधीरता खत्म होगी। नीतीश पांडे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। जी न्यूज़।